नमस्कार भव्या सरी न्यूज समय नूपुर। बाबा का ढाबा काफी वायरल वीडियो है, आज तक वो वायरल ही हो रहा है क्योंकि चर्चाओं में है और चर्चाओं में अब ये दूसरा रुख है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं बाबा का ढाबा। ये बाबा जो है उनका नाम है कांता प्रसाद और इनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की है, क्योंकि जहां तक उन्होंने अपनी जुबानी बताया कि हम 80 वर्ष के हैं। तो वो एक ढाबा चलाते थे खाने पीने का, और 80 वर्ष की उम्र कम नहीं होती है। खुद उतने लोगों का खाना बनाना, यहाँ लोग एक लोगों का खाना नहीं बना पाता है 80 वर्ष के व्यक्ति, और जहाँ वो इतने सारे लोगों को खाना बना, इसका मतलब है उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। तो वो अपने दिनचर्या के लिए किसी भी तरह उस स्टॉल को चला रहे हैं। ये स्टॉल उनका लगभग 30-35 वर्ष का है और उसमें इनकी बिक्री दिन पर दिन कम ही होती चली आ रही। इन दिनों देखा जाए तो 75-80-100 रुपए की बिक्री प्रतिदिन उनकी होती थी। ये नजर जाता है एक यूट्यूबर जो गौरव वासन नाम इनका है, इनकी जब नजर जाती है तो उनको आश्चर्य लगता है कि 100 रुपए में एक बूढ़ा व्यक्ति इतना काम कर रहा है और 80-100 रुपया प्रतिदिन ये कमा पाता है, तो क्यों नहीं थोड़ी सी मदद की जाए इनको अपने कलम से, अपने कैमरे से और अपने उसमें अकाउंट में अगर हम डालते हैं, क्योंकि अगर एक वीडियो बनाकर डालते हैं तो पूरे देश को पता चलेगा, तो हो सकता है इनको थोड़ा सा सहूलियत मिले और थोड़ा आर्थिक मदद इनकी मिल जाए। गलती बस गौरव की इतनी ही है। अब देखिए कि 7 अक्टूबर को ये वीडियो बनता है, 8 को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन 9 तारीख से बाबा के ढाबा पे भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और लोग 500-1000 रुपया देना भी आरम्भ करते हैं, खाते भी हैं और चंदा भी दान भी देना आरम्भ करते हैं, और एक दिन की अर्निंग उनकी होती है लगभग 75,000 रुपये जो बाबा ने स्वयं स्वीकार किया है। अब जब 75,000 होती है, कभी 1 लाख होती है, इस तरह पैसा जब आना शुरू हुआ, गौरव ने कहा कि आप इस पैसे से ऐसा कीजिए, एक अकाउंट बैंक में खोल लीजिए ताकि पूरा पैसा आप वहां पे जाकर जमा करें, और गौरव साथ जाकर के उनका एक अकाउंट खुलवा देते हैं। अब देखिए बाबा पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, उनके बेटे बरसों हो गए उनके साथ नहीं रहते, लेकिन कहते हैं ना जब पैसा हो जाता है, चूंकि वीडियो जब वायरल हुआ तो नेचुरली उनके बेटे आ गए पास में, और पास में आकर के रिश्तेदारी निभाना शुरू कर दिया। जब तक उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं सुदृढ़ नहीं थी, तंगी थी, तब तक उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। अब रिश्तेदार हो गए क्योंकि बेटे खड़े हो गए, अब बेटा पास में आ गया, उसके बाद उन्होंने एक मैनेजर रख लिया। उस मैनेजर के बाद अब क्या हुआ कि एक प्रेम जोशी का एंट्री होता है, एक अधिवक्ता है जो नेचुरली है कि वकील के पास जाइएगा, दिमाग आपको 17 देगा, ये नहीं कहेगा कि टेबल टॉक करके वहीं पर बात करो, फा दफा कर लीजिए। वकील को क्या चाहिए, केस चाहिए, छोटा कहते हैं बात का बतंगर बना देना, छोटी सी चीज है जिसको हम लोग वहीं पे फैसला कर सकते हैं, 5 पंच मिलकर के फैसला कर सकते हैं, उस पंच से फैसला न होकर के कोर्ट मामला कोर्ट में क्यों चला जाता है और उसमें 20 साल तक आप चले जाइए और उससे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक अच्छे इंसान को भी जो कुछ करने मदद भी करना चाहता है वो भी आप हाथ हटा देता है लोग कि कौन जाए इसमें करने के। आर माघवन जो कह रहे हैं कि फिल्म स्टार हैं, उन्होंने साफ लिखा है कि किसी की भी मदद नहीं करनी चाहिए, दुनिया में किसी की मदद करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं ये पीड़ा, गौरव की पीड़ा को देख रहे हैं, क्योंकि 400 BC उस पर दर्ज कर दीजिएगा, पुलिस केस कर दीजिएगा उस पर, वो बेचारा जाए तो जाए कहाँ। आज कुछ लोग पक्ष में उतर रहे हैं दिल्ली वाले, और कुछ लोग बाबा के आसपास वाले से भी पूछना तय कर दिया है कि आखिर क्या है अंदर की बात। वकील साहब जो हैं प्रेम जोशी, वो किसी को जवाब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वकील है ना, वो नेचुरली है कि आप कुछ ऐसी बातें सवाल पूछेंगे तो उनको सच्चाई कड़वी होती है जो हर इंसान पी नहीं पाता है, क्योंकि आपको तो पैसा चाहिए। अब मैनेजर जो पैदा ले लिए तो कहते हैं हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम पैसा नहीं ले, क्योंकि हर इंसान आपके पास जाएगा तो कहेंगे क्या आप अगर दिन भर किसी के पास अगर काम करते हैं तो आपको तो वेतन मिलता है ना, चूंकि नेचुरली है कि लाखों की संख्या में अगर उनके पास पैसा आ रहा है तो फ्री में तो कोई नहीं है। तो अब सबके कान खड़े हो गए, सब लोग उनके रिश्तेदार पहुंच रहे हैं, सब लोग मैनेजर रख लिए, बाबा ने एक दुकान लिया, बाबा ने एक मकान भी लिया जिसमें एक ब्रोकर को बाबा ने पैसे नहीं दिए और धमकी भी दिया कि तुमको ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अब दुनिया मुझे पहचान रही है तो हम कुछ भी तुम्हारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि एक मैनेजर उनके पास हो गए साथ देने वाले, वकील भी हो गए जो वकील अपने कलम चला करके किसी को भी कहीं फंसा सकते हैं, उसके बाद में उसका साक्ष्य होगा, साक्ष्य के तौर पर ऐसा नहीं कि वकील किसी को फंसा दे तो इंसान फंस जाता है, बाद में वकील भी उसमें डूब जाते हैं अगर उन पे अगर चार्ज कर दिया जाए तो। यहाँ पे ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है। तो जितने आसपास के लोग हैं जो गौरव को पहले से जानते थे, क्योंकि गौरव पूरा बैंक का अपना डिटेल्स दे रहे हैं कि देख लीजिए पैसा अगर कोई पब्लिक अगर दिया होगा
तो नेचुरली बैंक में ही गौरव को दिया होगा, और गौरव बैंक का पूरा डिटेल्स अपना देने को तैयार है कि देख लीजिए कितना पैसा आया, मेरा पहले से कितना था, यानी 7 तारीख के पहले मेरे बैंक में कितना पैसा था, वो भी बैंक वाले साक्ष्य देंगे। और उसके बाद जो भी पैसा आया होगा, तो ऐसा नहीं कि 10 लाख कोई एक आदमी दे दिया होगा, नेचुरली है, और जो भी दिया तो बैंक आपको वो डिटेल्स देने को तैयार है। ये सारे मामले सामने में, अब गौरव है रो रहा है, जहां वो बेचारा यूट्यूबर जो है अपना रोजी रोजगार उसमें खोले हुए था, अपना लोगों को भी, यानी क्या होता है कि आप भी आगे बढ़ते हो और दूसरे को भी बढ़ाते हो, तो वो चैनल खोल करके इस तरह अपना काम करने वाला इंसान आज बिल्कुल ही खत्म हो गया। ठीक उस तरह मैं बताऊंगा आपको कि अगर यूट्यूबर, चूंकि यूट्यूबर नहीं, अगर उसको दया आई और आपका वीडियो बनाया जहां आपका 100 रुपये बिक्री नहीं हो रहा था, वहां आज आपको 75,000 और 1 लाख रुपये अर्निंग आ रहा है, और ऊपर से जो लोग दानवीर, जितने लोग हैं, चूंकि भारतवर्ष में दानवीरों की कमी नहीं है, अभी कोरोना काल में भी देखा गया है कि न जाने कितने सारे लोग एक दूसरे का हेल्प करते रहे हैं, ऐसे में बाबा को भी जब हेल्प आना शुरू हुआ तो बहुत सारे रिश्तेदार खड़े हो गए। बहुत सारे लोग को ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी आदमी इतना क्यों कमा रहा है, आसपास वाले भी उसको चढ़ा दिए और बाबा पढ़े लिखे हैं नहीं, चढ़ गए और FIR दर्ज कर दी। अब देखिए गौरव का जो हाल है वो बेहाल है, बिल्कुल छटपटाहट उसके अंदर है, तो आदमी केस कैसे हेल्प करे। हम लोगों को तो थोड़ा भी कोई हेल्प करता है तो उसको खुदा मान लेते हैं, लेकिन इस इंसान को देख लीजिए, पढ़े लिखे हैं नहीं और कहते हैं 80 साल के उम्र में, हमारे 80 साल की उम्र है, देखिए इस तरह का बाबा को दौड़ते हुए देखा गया है कि लोग पूछ रहे हैं बाबा बाबा, और वो जबरदस्ती दौड़ करके कार में घुसते हुए उनको देखा जा रहा है, जो भी वायरल हो रहा है वीडियो देख रहे हैं लोग कि किस तरह की बाबा की अभी मानसिकता बन रही है। चूंकि उस समय पैसे नहीं थे तो गौरव के पीछे पीछे, लेकिन आज वो लाखपति बन गए हैं, पैसे की कमी नहीं है, नहीं हर चीज। तो एक ब्रोकर को, ब्रोकर जो बोल रहा है, सबसे पहले आपको दुकान दिलाता है, मकान दिलाता है, उसकी ब्रोकरी होती है, क्योंकि पूरी बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कि एक ब्रोकर से बहुत आसानी मिल जाती है एक मकान लेने में, एक दुकान लेने में, और उसमें उसको जो मिलना चाहिए वो भी पैसा नहीं मिला, तो ब्रोकर भी आकर के ये बोल रहा है कि बाबा ने हमको धमकी दी है और हम, मेरे को पैसा नहीं दिया, जो उसकी मेहताना है। अब देखिए कि बाबा बिल्कुल टाइट बैठे हुए हैं, क्योंकि रिश्तेदारों की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, रानू मंडल वाली बात हो गई। आप देखिए यूट्यूबर नहीं, एक रानू मंडल का गाना अपने YouTube पर डाला था, वो वायरल हुआ और वो अंतोगत्वा रानू मंडल की ये स्थिति आ गई कि सारे लोग उनको मदद किए और उसके बाद वो प्लेन से भी आना जाना शुरू कर दी और बहुत सारे गाने उनके आ गए। ऐसा भी नहीं था कि उससे ज्यादा गाना गाने वाला कोई भारतवर्ष में नहीं है, लेकिन चूंकि वायरल हो जाता है एक सिंपैथी कि एक भिक्षा मांगने वाली महिला अगर इस तरह का गाना गाती है तो उसको हेल्प होना चाहिए, और लोग इमोशन में हेल्प करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद की गतिविधि भी देखी गई है कि एक मॉल में एक महिला उससे कहती है रानू मंडल से कि हम सेल्फी लेंगे, तो उसको वो रानू मंडल बहुत डपटती है। बाद में इस चीजों की इतनी वो होती है, वायरल होता है ये भी वीडियो, कि बाद में हिमेश जी को कहना पड़ता है कि नहीं वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो इस तरह की चीजें हैं। तो कहते हैं ना कि जिनके पास कुछ नहीं है आपकी, वहां कहते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी अंतोगत्वा आप देख लेंगे कि मदद करने के बाद इंसानी मन में ठान लेता है कि अब आज से चलो ये तो आ बैल मुझे मार की बात होती है, आज से हम किसी की मदद ही नहीं करेंगे। ऐसे में अच्छे अच्छे लोग गुमराह हो जाएंगे और जिनको हेल्प ही नहीं मिलेगा। आज देखिए यही चीज यहाँ पे हो गया है कि अब देखिए आगे क्या होता है। कानून तो है ही, वो बेचारा फंसा तो जरूर ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि गौरव को सुनने वाला कोई नहीं है। और अंतोगत्वा प्रेम जी की बात हम करेंगे, जो अधिवक्ता है उनको टेबल टॉक करके इस चीजों को रफा दफा करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करके, चूंकि लाखों रुपए बाबा के पास हो गए तो सीधे वो केस करके, आपका तो काम ही है, आप तो अधिवक्ता हैं तो केस देखने के लिए जाते हैं, तो कोर्ट में जाने में आपको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन गौरव को सारा काम धाम छोड़ करके उस डेट पे जाना पड़ेगा। ये आपको सोचना चाहिए एक यंग ब्लड को किस तरह आप परेशान कर रहे हैं, और अभी वो अगर परेशान हुआ ना तो वैसे बहुत सारे यूट्यूबर एक शिक्षा ले लेंगे और गरीब को गरीब ही छोड़ देंगे, कहेंगे तुमसे उनको क्या मतलब, और इसी तरह हमारा देश हो जाएगा, कोई कदम नहीं बढ़ाएगा, किसी को भी एक अच्छाई की तरफ कदम नहीं बढ़ेगा, ये तो आप मान ही लीजिए। खैर यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अब बात करते हैं पैसे का, अगर पैसा आया तो आपका बेटा तो आज धमक गया, पहले तो नहीं था बेटा, क्या गौरव को आप बेटा नहीं मान सकते थे, माना, आपको तो खुद देना चाहिए कि बेटा ये तुम गिफ्ट लो, चूंकि तुम्हारे कारण ही हमारे पास 100 रुपए भी नहीं आते थे, आज लाखों लाख के हम मालिक है, तो तुम ही मेरे मैनेजर बन जाओ, तुम ही हमारे ढाबा को अब संभालो, जो करोगे तुम करोगे, ऐसा भी बाबा बोल सकते थे, चूंकि बाबा के पास कोई व्यक्ति उस समय नहीं थे, तो गौरव अगर ऐसा किए तो पूरा करता और धरता। कहते हैं कि एक बूढ़े को क्या चाहिए, अगर आप आगे सामने में तो क्या आप पैसा नहीं संभाल सकते, तो ये बात तो उल्टा, गौरव को ये बात बोलना, बाबा गौरव को बोलते कि तुम मेरे बेटे बन जाओ,
क्या कमी थी? पैसा पब्लिक का था, कोई ऐसा आपका पैसा वो लूट कर नहीं भागा है, गौरव लुटेरा नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके कारण ही उनके जितने फॉलोअर्स थे या जो चाहने वाले थे या फिर जो चाहा उस वीडियो को देख करके, तो उस पे पैसा मिली। बाबा कोई कमा नहीं लिए, बाबा की प्रॉपर्टी कोई सेल करके गौरव नहीं रख लिया अपने पास, अगर थोड़ा बहुत रख भी लिया तो उसमें प्रेम जोशी जो है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहते हैं ना कि किसी भी चीजों को ढंग से सोचिए और ढंग से समझिए कि ताकि देश पर इसका बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, आज हर इंसान जो अच्छा भला है वो अगर जाएगा कुछ मांगने के लिए किसी से, तो कोई यूट्यूबर उसका हेल्प नहीं करेगा। मीडिया की तो दस्तक देने में बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि मीडिया के पास आप उतना जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं जितना जल्दी किसी यूट्यूबर के पास पहुंच करके अपनी संवेदना को वहां व्यक्त कर सकते हैं, अपनी समस्या को वहां डाल सकते हैं। तो क्या कोई यूट्यूबर आपको हेल्प करेगा? कदापि नहीं करेगा। अगर ये हाल हुआ तो आगे आने वाले कल में आम आदमी को भी परेशानी झेलना पड़ेगा अगर ये हुआ तो। लेकिन कहना यही होगा कि अगर पूरा बैंक का डिटेल्स पब्लिक ने हैंड टू हैंड गौरव को कोई पैसा नहीं दिया, जो भी पैसा आया बाबा के ढाबा पे आया, अभी बाबा की रुतबा बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन कहते हैं ना, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सारे लोग 2-3 महीने में बिल्कुल आउट हो जाएंगे, मैनेजर अपनी गति पे पकड़ लेगा। चूंकि आज कह रहा है कि हम समाज सेवाएं बगैर पैसे निशुल्क हम काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं ना जिनका जाकर के आप दीजिए। बाबा जिस समय 100 रुपया कमाते थे उस समय समाज सेवा आपको नहीं सूझा, लेकिन जब लाखों लाख रुपए बाबा के पास आना शुरू हो गया तो आपके पास समाज सेवा शुरू हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। और वहीं वकील साहब जवाब देने को तैयार नहीं है, चूंकि तर्क कहते हैं ना सच्चाई कड़वी होती है, अगर कोई सच्चा प्रश्न पूछ लीजिए तो उसमें बिल्कुल हो आरे नहीं आएंगे, हाथ नहीं आएंगे और सीधे कोर्ट में मामला चला जाता है, क्योंकि आपको जवाब कोई नहीं देगा। जो हम लिख रहे हैं जैसा लिख रहे हैं वैसा हम आगे करेंगे, लेकिन कार्रवाई से एक गौरव कितना छटपटा रहा है उस चीजों को, उस छटपटाहट को देखिए। वकील साहब को जब तक पॉकेट में पैसा मिल रहा है तब तक वकील साहब काम कर रहे हैं, भले ही देश को जो भी वो दिखाएं वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी टीम अभी जाने वाली है गौरव के पीछे, जहां तहकीकात होगा और तहकीकात बाबा भी होगा और गौरव का भी होगा, दूध का दूध और पानी का पानी आएगा, लेकिन उसके बाद बाबा की स्थिति क्या हो जाएगी यह बहुत कहना मुश्किल है। आज भले ही बाबा के पास 4-6 लोग हो, कितना लाख रुपया आ ही गया होगा, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 1 करोड़, 1 करोड़ रुपया खर्च होते, कितनी देर लगती है, उसके बाद फिर वही स्थिति आ जाएगी बाबा का ढाबा, जहां कोई आपको पूछेगा नहीं। अपनी उम्र भी उनको देखना चाहिए कि मेरी उम्र 80 साल है, और कोई बच्चा ने अगर हमको मदद किया इस वक्त पे तो कम से कम उसको कोर्ट में तो नहीं लपेटे। स्थिति देख लीजिए दुनिया कहां जा रहा है, इसीलिए कोई किसी की मदद नहीं करता।